सुनो जी, अगर बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए पिज्जा और बर्गर जरूर लेके आना। हाँ? पापा मेरे लिए चॉकलेट ले लेना। तुम लोगों की इस फालतू फरमाइश के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जितना बोला चुपचाप उतना करो, समझ में आया? नहीं तो कल मैं मायके जा रही हूँ। हाँ मम्मी, मुझे भी ले चलो तुम अपने साथ, हम भी नहीं रहेंगे यहाँ। अरे बहन चमटरी, ओ बहन चमटरी। हे भगवान, ये तो मेरे भैया हैं। अरे भैया प्रणाम प्रणाम, आइए ना बैठिए ना भैया। अरे बहन चमटरी, चिंटू के पापा को नहीं देख रहे हैं, कहीं चले गए हैं क्या? अरे नमस्ते नमस्ते साला जी, हम तो आ गए बाजार से। हाँ, तुम इतने जल्दी बाजार से कैसे आ गए? और मेरा बर्गर और पिज्जा कहाँ है? जल्दी लाओ नहीं तो आज मार मार के तुम्हें चटनी बना दूंगी। अरे बड़ी दिन पर साला जी आए हैं तो सोचे साथ में चाय पियेंगे। चाय पियेंगे? उतना ज्यादा खुशी मत हो, चाय मेरे भैया के लिए सिर्फ बनेगा। तुम जाओ जल्दी बाजार से, उसके बाद तुमको खाना भी बनाना है। अरे बहन टमाटरी, जीजा जी से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे नहीं भैया, आज मेरा माथा दर्द कर रहा है ना, इसीलिए खाना वही बनाएंगे आज। माथा इसका क्या दर्द करेगा? अगर तुम बाहर में रहते तो अब तुमको हम अपना दर्द बताते, अगर इसके सामने बोलेंगे तो रात में मुझे कूट देगी, इसीलिए अपना मुंह चुप रखता हूँ। क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो, जल्दी बाजार जाओ और मार्केट से सब्जी लेके आओ। हाँ, और पिज्जा बर्गर भूलना मत। अच्छा ठीक है मेरी माँ, जा रहे हैं तुम्हारे लिए बाजार खरीद कर ही ले आऊं। हाँ पापा, और मेरे लिए चॉकलेट।